जाएगा, जो श्वसन मार्ग है अपना यहाँ से वहाँ का, वो पूरा साफ हो जाएगा। जैसे अपने गटर चौकअप हो जाती है तो कैसे अंदर तलिया डाल के साफ करते हैं, तो इस तरह से पूरा ये वाला जो है वो सफाई हो जाता है। अब हम करेंगे जल नीति, तो जल नीति के अंदर हमको ऐसे आगे झुक कर बैठना है, सिर को भी इतना झुकाना है बराबर, और मुंह से सांस लेते रहना है आराम से। ऊपर से पानी डालेंगे तो पूरा ऊपर से घूमता हुआ, ये पूरे साइनस के कोतर होते हैं अपने नाक और ये कपाल के अंदर साइनस के ये सारे कोतर होते हैं। तो ये हमने जो सूत्र नीति किया वो सीधा सीधा रास्ता ही सफाई करता है, आसपास के कोतर वाला जो है वो सफाई इसमें नहीं होता है। तो ये जैसे हम पानी डालेंगे तो पानी सीधा ही सीधे रास्ते से नहीं जाएगा, ये सब कोतर में अंदर भरेगा, फिर उसमें से छलक के बाहर आएगा, ऐसा भरता हुआ सारे कोतर में अंदर जाके अंदर हुआ फंसा हुआ कचरा को बाहर निकाल के निकलेगा। तो एक तरफ यहाँ से करेंगे तो इस तरफ का कोतर सारे साफ हो जाएंगे, इस तरफ से करेंगे तो इधर से पूरा कोतर साफ हो जाएंगे। तो इस तरह से आसपास में जितना भी कचरा भरा हुआ है वो सारा इससे निकल जाता है। तो चलो हम करेंगे जल नीति। Thank you.